हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो भाई, सुबह वाले एपिसोड में फाइनली तीनों पकड़े जा चुके हैं, माइकल, लेस्टर एंड अपना प्यारा टेक्नो भी। डेविड ने फिलहाल तीनों को बड़े प्यार से पकड़ लिया और उसने तो कुछ किया भी नहीं भाई। आप लोग अगर सुबह वाले एपिसोड देखा होगा तो उसने बहुत सिंपल तरीके से वो तीनों पकड़े जा चुके हैं। डेविड चाहता तो उसने यही बोला मेरे को आकर के कि मैं तुम्हें चाहता तो 2 मिनट में पकड़ सकता था, बट मैं बहुत ज्यादा जरूरी बिजी में, मतलब काम में बिजी था। पता नहीं क्या आखिर काम उसने दे के रखा है ड्राइवर को, और खुद भी किस चीज़ में बिजी था पता नहीं मेरे को। फिलहाल ड्राइवर जब मिलेगा तभी तब देखी जाएगी, बट पता नहीं क्या वो करने गया है, वो तो पता लग जाएगा। पॉइंट यही है फिलहाल भाई, अभी अभी ना सिर्फ फ्रैंकलिन बचा हुआ है इन तीनों को बचाने के लिए, क्योंकि एक बार ड्राइवर अपना काम वापस करके आएगा ना तो उसके बाद इन तीनों का नंबर डेविड लगाएगा, टेक्नो का, माइकल का, लेस्टर का और बाकी फैमिली मेंबर्स का। फिर उन सभी को बाद में डेविड मारेगा आराम से, वो भी ड्राइवर के हाथ ही मरवाएगा। तो इसलिए इससे पहले ड्राइवर अपना काम करके वापस आए, फ्रैंकलिन के ऊपर स्विच करते हैं। अमेजिंग बात यह, लेस्टर बड़ा चालाक बंदा है। जब लेस्टर को फ्रीज किया गया था तो फ्रीज का असर कुछ देर तक रहता है, इसका मतलब फॉर्मूला भी बचा हुआ है अपने प्यारे प्यारे भाई के पास में। अमेजिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डेविड के पास कितनी चीज क्यों ना बची हो, हम सब कुछ संभाल लेंगे बाद में। पॉइंट यही है, लेस्टर जब बाद में फ्रीज से नॉर्मल हो गया तो उसने तुरंत एमरजेंसी मैसेज कर दिया फ्रैंकलिन को अपनी लास्ट लोकेशन और बोला कि हमें ढूंढ जल्दी जितना उससे हो सके। फ्रैंकलिन के ऊपर स्विच करते हैं और जल्दी से ढूंढते हैं उनकी लास्ट लोकेशन। फिलहाल टनल में वो नहीं मिलने वाले मेरे को पक्का बताया, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेंगे, बट मेरे को सबको ढूंढना पड़ेगा। अगर ढूंढ लिया तो बढ़िया, नहीं तो मरेंगे सारे के सारे बंदे, इसे लेट बिल्कुल नहीं कर सकता। चलिए फट से गेम को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं तीनों दोस्तों को बचाने की। एक बार सब बच जाएंगे तो फिर बस ट्रेवर ही बचेगा जिसको सही करना है, और डेविड तो अब आपको पता है उसका काम पूरा हो ही चुका है जो उसने प्लान बनाया था, तो अब वो भी हमसे आमने सामने लड़ेगा। अब डेविड छुपेगा नहीं, छुपने के दिन गए, उसकी प्लानिंग के दिन गए, प्लानिंग जो थी वो पूरी हो गई है। फ्रैंकलिन पहुंच चुका है भाई, अपना गेम भी आ चुका है और फ्रैंकलिन पहुंचने लग रहा है। पहले तो लास्ट लोकेशन में जाके चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट से। आपको बताइए लास्ट लोकेशन कौन सी हम लोगों की? वो है वही टनल वाली, जहां पर भी लास्ट लोकेशन है वहीं पर जा करके चेक कर लेते हैं। क्या पता वहीं पर कुछ क्लू मिल जाए, ना मिले तो कोई बात ही नहीं है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे फ्रैंकलिन भाई, अब देखते हैं तुम्हारे ऊपर ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब बिल्कुल अंत आ चुका है। या तो डेविड हमें मार डालेगा या हम डेविड को मार डालें, और ट्रेवर एक बार आने दो, उसका भी कुछ सोच लेंगे। पहुंच चुका हूं मैं जगह पर, चलिए फ्रैंकलिन ब्रो फटाफट से निकलिए। तो ठीक है भाई, थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, बट हम लोग जगह पर पहुंच चुके हैं। मैं बैकअप लेकर के आया, फ्रैंकलिन को बेवकूफ बनने नहीं दूंगा। कभी फ्रैंकलिन भी पकड़ा जाए फिर कोई और नहीं बचा हमें बचाने के लिए, मेकर यहां पर है ही नहीं। और बाकी बंदे यार देखो बहुत कमज़ोर है, वो नहीं कर पाएंगे। टगन वगैरह अगर उनको स्विच करके यहाँ पर लाए भी जाए तो फंस जाएंगे, हमारा काम ही बढ़ेगा। और बंदों में इतना दम नहीं है किसी में भी। और आपको बताइए हमारी सारी आर्मी, और मतलब आर्मी ऑलरेडी मारी गई है, तो कोई बंदा भी बचा नहीं है जो ठीक तरीके से हेल्प कर सके। फ्रैंकलिन फिर भी एक कमाल का बंदा है, मतलब कि इतना तो ठीक है कि बंदों को बचा सकता है। ज़्यादा एडवांस नहीं बोलूँगा कि बहुत तगड़ा पावरफुल बंदा बन के रखा हुआ है, नॉर्मल है बट कर लेगा भाई, जितना मेरे को पूरा पक्का भरोसा है। अगर इसको सही से पता लग जाए कहाँ पर है तीनों बंदे मेरे, तो सारा काम हो जाएगा आराम से। फ्रैंकलिन बैठे बहुत बढ़िया, तेरे तो एंट्री बहुत गंदी हुई है, कमाल करके रखा है तूने। फ्रैंकलिन थोड़ा आगे निकल, आगे निकल। वेपन बहुत सारे भाई मैं लेकर के आया हूँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर कोई पंगा लेगा सीधा कर देंगे। इसका मतलब भाई लेस्टर भी शायद से यहाँ से जा चुका है। डेविड एंड लेस्टर सुबह वाले एपिसोड में लास्ट में यहीं पे थे, बट गए, तो इसका मतलब कुछ और ही पंगा है। अब जो भी है वो मैं देख लूँगा। जल्दी आगे निकल फ्रैंकलिन भाई, एक काम करता हूँ पूरा एरिया चेक करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ, कभी फिर से कुछ उल्टा सीधा काम हो जाए। मैंने फिलहाल ही मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ। और आपको पता है देखो यहाँ पर वो गैस भी थी, देखो फ्रैंकलिन को इसके बारे में नहीं पता, अगर यहाँ पर हुई तो ये भी फ्रीज हो जाएगा, वो अलग बात है। अब पॉइंट क्या है चले वो तो देख लेंगे। चल भाई फ्रैंकलिन तो ठीक चल रहा है, तो इसका मतलब गैस अब नहीं है यहाँ पर, बढ़िया बात है। चलिए पहुँचते भाई पहुँचते। वैसे सीधी सी बात है वो गैस बंद कर दी होगी डेविड ने, जब डेविड भी तो यहाँ पर आके लास्ट में बात कर रहा था ना ट्रैप, मतलब कि अपने लेस्टर से। अगर वो गैस तब भी वहाँ पर होती तो वो भी जम जाता, फ्रीज हो जाता। इसका मतलब उसने बस लेस्टर को फ्रीज किया और उसके बाद वो गैस बंद कर दी। अपनी गाड़ी वहीं छोड़ता हूँ, मर्सिडीज चलाएंगे, क्योंकि भाई अपनी गाड़ी है, इसको यहाँ पे क्यों छोड़े, इसको चलाएंगे मजे लेते हैं। थोड़े टाइम तो बेचारे फ्रैंकलिन को तो अच्छी सी गाड़ी मिल जाएगी चलाने के लिए। अब तुरंत निकलता हूँ बंदों से हेल्प लेने के लिए, जो मेरे कुछ थोड़े मोटे कॉन्टैक्ट है फ्रैंकलिन के, अब उनसे काम लेना पड़ेगा। क्योंकि लेस्टर की बताई लास्ट लोकेशन मैंने पूरी चेक कर ली, बंदे यहाँ पर है ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि डेविड इतना बेवकूफ नहीं है, जहाँ पे बंदों को पकड़ेगा वहाँ पर नहीं रखेगा, कुछ ना कुछ तो जगह है, या फिर यहाँ पर कोई सीक्रेट जगह है, ऐसा हो सकता है। वो बस हमें पता करनी है, जल्दी पता करनी पड़ेगी। फ्रैंकलिन ने अपने कुछ सोर्सेज से बात की है, मैं बात करके उनसे मेन जगह पर पहुंच चुका हूं। तो यहां पर मैं आया फिलहाल, देखो यहां पर ना कुछ बंदे हैं जो शायद से फ्रैंकलिन को नुकसान दे सकते हैं, इसलिए सबसे पहले उस नुकसान को मैं ख़त्म करूंगा। ये लोग से कुछ गएंगे जो शायद से मुझे नुकसान देंगे उन तीनों को ढूंढने में, आराम से सारा सारा काम मैं करूँगा पहले इनको ख़त्म करके। एला बेटो, क्योंकि एक बार दुश्मन ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फ्रैंकलिन को सेफ जोन में हम लेके आ जाएंगे। क्योंकि देखो भाई अगर ये भी पकड़ा गया ना तो फिर हो जाएगी दिक्कत बहुत ज़्यादा। ये कहाँ आ रही है, मुझसे मिलना चाहती है, मैं भी मिलने के मूड में नहीं हूँ। निकल बेटी, चल भाई गाड़ी में बैठ जाए फ्रैंकलिन, इस गाड़ी का भरोसे नहीं कभी मिला, मतलब फिर से इसका मिलने का मन कर जाए और ये फिर से मुँह उठा के यहाँ पर आ जाए।
ओके तो फिलहाल चलिए भाई अभी आगे बढ़ते हैं। एंड अरे रे आ गया नमूना, मरा नहीं मैंने, सर दूर दूर से ही मार देता हूँ। फ्रैंकलिन को मारने के लिए आपको बताया बंदे शांत तो नहीं बैठेंगे, यहाँ पर बंदे हमला करेंगे ही करेंगे। फ्रैंकलिन ब्रो इसलिए पहले मैं सब दुश्मनों को मार देता हूँ जिनसे इसको खतरा हो सकता है, क्योंकि उनको ढूंढने में भाई किसी ना किसी की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। ये ले बेटे, ये लॉस्ट के वो बंदे हैं जो गद्दार है, कुछ कुछ लॉस्ट के बंदे ईमानदार भी है, उनके पास भी जाऊँगा हेल्प लेने के लिए। वो बाद में पहले बंदों को नेता बनाने दो। अरे रे रे चाचा जी कौन खड़े हो आप, ये ले बेटे खत्म। ठीक है चलिए भाई इसको खत्म कर देता हूँ, दो चार मिनट और लगने वाली है, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं यहाँ से आराम से। अरे रे रे फ्रैंकलिन ब्रो गोली लग रही है, गोली लग रही है, आराम से आराम से आराम से सारा काम प्याज करो। ये ले बेटे चाचा जी, आप भी बहुत बढ़िया। ठीक है भाई मैंने इनको सबको लगभग खत्म कर दिया है, एक फाइनल मिनीगन मतलब कि मिनीगन बोल रहा हूँ एलियन गन छोड़ के और यहाँ से निकलता हूँ। मेरे कुछ बंदों का फोन आया जो कि फ्रैंकलिन के बहुत प्यारे बंदे हैं, चलिए फटाफट से पहुँचता हूँ वहीं पे जा करके। देखो सबसे ज़्यादा अलग फ़ोन फ्रैंकलिन का है, ड्राइवर का तो है अमेजिंग फ़ोन फिलहाल, देखो इसका नॉर्मल है बट अलग है बाकी बंदों से। फ्रैंकलिन का फ़ोन अच्छा है, माइकल का भी इतना अच्छा मेरे को फ़ोन नहीं लगा बट इसका ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर, तो फिलहाल मीट फैक्ट्री पर ही कुछ बंदे मिलने वाले हैं जो हेल्प करेंगे। चलिए फ्रैंकलिन ब्रो आराम से, ये बंदे बस एक तरीके से आप फ्रैंकलिन के दोस्त समझ लीजिए, तो इनसे जाकर के मेरे को थोड़ी सी बातचीत करनी है और उसके बाद देखते हैं कुछ बातें क्लियर हो गई नहीं होगी। फ्रैंकलिन वैसे आप देख रहे हो हट्टा कट्टा बंदा है भाई, मतलब कि तगड़ा है बंदा, माइकल की भी इतनी तगड़ी बॉडी नहीं है और ना ड्राइवर तो खैर है ही अपना पतला बंदा। देख रहे हो फ्रैंकलिन कितना खतरनाक लग रहा है पीछे से, ज़्यादा बंदा अच्छा है। अबे नमूनो क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, मेरे बंदे कहाँ पर निकल गए, जल्दी फ्रैंकलिन आगे निकल के जाकर। इसको कहते हैं रेगुलर जिम करने के फायदे, फ्रैंकलिन की बॉडी सच्ची में तीनों से ज्यादा खतरनाक है। मैंने अपने जानने वाले बंदे से बात करी, ये चंपू चाचा दिखने में मिलिट्री का लगता है नहीं, इससे बात हो गई है। बंदा बोल रहा है कि फ्रैंकलिन एक लौटता रास्ता है लॉस्ट गैंग को कन्विंस कर किसी भी तरीके से। मैंने बोला लॉस्ट गैंग को मनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है पूरी दुनिया में, पैसा। तो बोल रहा है इससे बात ही नहीं है, थोड़ा पैसे का अरेंजमेंट कर। मैंने बोला ठीक है यार मेरे को कुछ पड़ा हुआ है मैं उसको अरेंज करता हूँ। बोल रहा है ठीक है उनके पास लेकर के जा और उनको बोल कि तुम्हारा क्या फ़ायदा किंग डेविड को जितवाने में, पैसा तब भी तुम्हें नहीं मिलने वाला। अगर तुम मुझे बता दो कहाँ पर ट्रेवर एंड बाकी मतलब कि बाकी मेरे दोस्त कहाँ पर है तो मैं तुम्हें काफ़ी पैसा दूंगा। तो लालच देते भाई लॉस्ट गैंग के उन बंदों को जो बंदे अच्छे हैं, मतलब अभी भी काम कर सकते हैं हेल्प कर सकते हैं। ठीक है सोचता हूँ निकलता हूँ जगह पर, देखते लॉस्ट वाले बात मानेंगे नहीं मानेंगे, पता लग जाएगा। फाइनली इन्फॉर्मेशन थोड़ी तो मिली। देखो यार बेचारे फ्रैंकलिन ने अपनी पूरी सेविंग्स दे दी अपने दोस्तों को बचाने के लिए। फ्रैंकलिन पर आपको पता ज़्यादा कैश नहीं होता, इससे बस 400 मिलियन डॉलर सीधे ये पूरे के पूरे सारे के सारे लेकर के आ चुका है बंदों के पास में। मैंने पूछवा दिया, बंदे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, चलो एक काम करो रात को आना हमारे पास एक जगह पर, हम तो सारी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे तुम तो अपने दोस्तों को बचा सकते हो। मैंने बोला भाई धोखा मत देना। देखो यार तो बंदे बोल रहे हैं ठीक है नहीं देंगे, पैसा दे देना तुमने अब यहाँ से निकलो। देखो भाई ट्रस्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। बोल रहा शाम को मिलेंगे एक फैक्ट्री पर, वहीं पर मेरे को इन्फॉर्मेशन देंगे। $400 मतलब 400 मिलियन तो मैंने दे दिए। फ्रैंकलिन की सारी कमाई चली गई बेचारे की। अब देखना ये है कि ये अपनी जबान पे रुकते हैं नहीं रुकते, या फ्रैंकलिन भिखारी बनने वाला है पता लग जाएगा। बट भाई अच्छा लगा मेरे को फ्रैंकलिन वाली बात की, बेचारे ने पूरी मेहनत कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ट्रेवर सही हो जाएगा तो इसके लिए मैं काफ़ी मिलियन इसको डोनेट करूँगा, मिलियन का बिलियन दे देंगे बंदे को, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल ट्रेवर तो सही नहीं हो सकता ना, क्योंकि टेस्टर जी ने बोला था इम्पॉसिबल है उसको पूरी दुनिया में ठीक करना, क्योंकि वो इस तरीके से चिप बनाई गई है उसको कोई सही नहीं कर सकता। चलिए जो भी है वो हम देख लेंगे, बाकी रही बात पहले इन तीनों को तो बचा लूँ मैं, उसके बाद ड्राइवर का भी कुछ सोचेंगे। रात का टाइम हो चुका है, मैं जगह पर पहुँच तो गया हूँ भाई, इसी जगह पर बंदे ने मेरे को बुलाया था। अब देखना ये कि बंदे मेरे को धोखा ना दे दें। फिलहाल एक काम कर फ्रैंकलिन ब्रो इधर से निकल। देखो मैं आ तो गया हूँ भाई, मेरे को बंदे दिखाए तो एक भी नहीं दिया अभी तक, बोला था कि यहाँ पर आ जाना 400 मिलियन भी ले लिए और बंदे दिखाई नहीं दे रहे। चलो कोई बात नहीं फ्रैंकलिन ब्रो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एक सेकंड भाई इस वाली लाइन में मेरे को एक बंदा दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ, शायद से ये बंदा हेल्प कर सकता है। पहुँचते बहुत बढ़िया, ओके मैं लाइट्स ऑन कर लिए, काफ़ी अजीब लग रहा था लाइट के बिना और अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत तेज़ लाइट है। हेलो भाई लॉस्ट वाले ब्रो, कोई धोखा वाले काम मत करना, वेपन्स बहुत सारे हैं। प्लीज़ भाई बोल फटाफट से क्या पता मतलब कि कहाँ पर तीनों मेरे फ्रेंड मिल सकते हैं, प्लीज़ भाई जल्दी बोल। बंदा बोल रहा है कि एक जगह पर जाके हमारे लॉस्ट के भाइयों को मारो, अपना बंदा अपने बंदों को मरवा रहा है। बोल रहा है कि फ्रैंकलिन कोई दिक्कत नहीं जाकर इनको मारो, उनके फ़ोन का डाटा चेक करो, उनको पता है तुम्हारे तीनों दोस्त कहाँ पर है, टेक्नो माइकल एंड लेस्टर कहाँ पर है, उसके फ़ोन में डेटा है मैंने खुद देखा है बट मैं पढ़ नहीं पाया मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। चलिए भाई देखते हैं इसके बाद में कितना दम है, अगर ये बिल्कुल सच बोल रहा होगा तो फिर आ जाएगा मज़ा, नहीं तो भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा भी हम देख लेंगे। चलिए भाई निकलिए, पहुँचते जगह पर। मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ भाई, ये लॉस्ट वाले बंदे तो नहीं है यार, क्योंकि लॉस्ट वाले बंदों की अलग ही ड्रेस होती है, लॉस्ट वाले हमने कपड़े बदल लिए क्या? अब जो भी है वो मैं चेक कर लूँगा। फ्रैंकलिन ब्रो भजा इनमें नमूनों में और चेक करते हैं इनके फ़ोन के डेटा को, अगर इसके फ़ोन के डेटा को चेक करके हम लोग सही जगह पर पहुँच जाते तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये ले बेटे आया मजो आया मजो, चल चल फटाफट से फटाफट से जल्दी 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 जल्दी। ओके लगी नहीं, यहाँ पर बंदों गोली लग रही इसके आर पार, मेरे को लगता है उतर के जाना पड़ेगा।
बहुत बढ़िया, ऐसी जगह पे छुप गए जहाँ पे गोली काम ना करती हो। सही है बेटे, सही है, तुम्हें तो मैं ही मारूंगा आकर के। ओके सच्ची है भाई, इसके आर पर गोली लगती है, अगर बंदा उसके ऊपर की तरफ है तो फिर गोली लगती है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऐसे मार लेंगे। फाइनली सबका दी एंड। चेक करता हूँ हर एक के फोन को, देखते हैं किसके फोन में डेटा मिलेगा और किसके में नहीं, पता लग जाएगा। मैंने बंदों के फोन का डेटा चेक कर लिया, दो बंदों के फोन में डेटा मिला है सिर्फ। इनके डेटा के हिसाब से सेम उसी टनल में आगे चल के एक सीक्रेट डोर है, जिस डोर से एक बंकर में होने का रास्ता है, जाने का मतलब रास्ता है, उसी बंकर में उनको बंद करके रखा है। मैंने बोला था ना शायद से इस टनल में ये बंदे, बट कोई सीक्रेट रास्ता है जो पता नहीं है। चलिए भाई क्या पता है, सच्ची खबर हो, निकलता हूँ जल्दी। पहुँच चुका हूँ मैं टनल में, पता नहीं भाई इस टनल के कितने चक्कर लगने वाले हैं सच्ची में। इस टनल के तो 6-7 चक्कर लगा दिए हम लोगों ने, बट फिलहाल क्या करें, टनल पूरा पूरा लिंक होकर रखा है। डेविड ना हर बार यहीं मिलता है नमूना, पता नहीं क्या उसको पसंद है जगह, लगता है उसको अंडरग्राउंड रहने में मजा आता है। अमेजिंग वैसे भी माफे जितने भी होते हैं सारे सारे अंडरग्राउंड ही रहते हैं। इस अंडरग्राउंड नाम से मेरे को अंडरग्राउंड माफे याद आ गई, आपको याद है बहुत टाइम पहले एक माफे आई थी, पता नहीं उनको हुआ क्या शायद से। देखो आपको पता, मैंने ध्यान देना बंद कर दिया उनके ऊपर, नहीं तो बंदे तो अभी भी जिंदा है, वो कहीं ना कहीं मार रहे होंगे पुलिस वाले बंदों को, वो हमेशा पुलिस और आर्मी को ही मारा करते थे बस। चलिए जल्दी से, ओके मैं पहुंचता हूँ। तो जगह के हिसाब से मेरे को थोड़ा आगे जाना है, आगे जाकर कहीं मेरे को एक डोर मिलेगा, अगर खबर सच्ची है तो इसका डोर मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आगे टेक्नो मतलब के अपने फ्रैंकलिन ब्रो, बस गाड़ी यहीं पर रोकी है, एक गाड़ी भी ना बार बार यहीं आके रुक जाती है, बोलती है होगी कि भाई यहीं पर फिर फंसा दिया। चलिए चेक करता हूँ, फिलहाल बंद यहाँ पर है ही नहीं, एक फिर भी गन ले लेता हूँ हाथ में, कभी कोई नमूनों का सरदार आकर के यहाँ पे गोली चला दे। ओके वेपन्स बहुत रखे यहाँ पे साइड में, बढ़िया भाई बढ़िया। आगे निकलो फ्रैंकलिन, तो यहाँ पर ना एक डोर है, यहाँ पर एक बड़े वाला गेट ओपन हो करके रखा है और उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा भाई डोर है। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर तो नहीं है, नहीं इधर भी नहीं है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फोन के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहीं पर होना चाहिए था। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अरे भाई है, अरे भाई अगर लास्ट टाइम में मैं सच्ची में इसको चेक करके चला जाता ना तो मेरे को पैसे बच जाते 400 मिलियन, बट कोई दिक्कत नहीं है, लॉस वाले बंदों ने इसका मतलब सही में साथ दे दिया, पहली बार दुश्मन बंदों ने साथ दिया, अमेजिंग। आगे निकलते हैं, इसके पार मतलब इसके आर पर बंकर है और उसमें मेरे दोस्त है। मैं पहुंच चुका हूँ डोर को यूज करके बंकर की तरफ, बंदे यहाँ पर काफी सारे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अंदर चेक करता हूँ मेरे दोस्तों को। मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर हो तो आवाज लगाओ, बस किंग डेविड यहाँ पर ना हो, अगर किंग डेविड यहाँ पर हुआ ना तो काम खराब हो जाएगा, लगता है ट्रेवर का तो काम हुआ नहीं है। अगर भाई मान लो अगर दोस्त जिंदा हुए और यहीं पर हुए तो इसका मतलब ट्रेवर का काम नहीं हुआ, अगर ये तीनों मरे हुए मिले तो काम हो चुका है, क्योंकि डेविड ने कहा था ट्रेवर का काम पूरा होने पर खुशी में मैं फिर सारा सारा काम करूंगा। ले बेटे आया मजा, कहते मैंने बहुत जल्दी से तीनों को ढूंढ लिया, अगर भाई मिल जाए तो मेरे को। आगे बढ़ आगे बढ़, ये ले बेटे, अरे यार तो इतने सारे बंदे हैं, बट भाई ये गन बहुत बढ़िया, वीडियो मेकर मिनी गन से कम नहीं है, बराबर है बिल्कुल। आगे निकलो आगे निकलो, एक सेकंड भाई यहाँ पर कौन बंदा है, दुश्मन का बंदा, मैंने मेरे दोस्त है, अरे मिल गए तीनों, मिल गए तीनों जिंदा है, इसका मतलब ट्रेवर का काम नहीं हुआ जो ट्रेवर करने गया था, जो भी है जो भी है जो भी। जल्दी जल्दी आगे बढ़ आगे बढ़, हेलो जी कोई है क्या, ये ले बेटे एक सेकंड तुम तीनों को खोलता हूँ, बस एक मिनट दो मेरे को, एक मिनट दो, ये ले बेटे आया मजा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए फिलहाल भाई मैंने इसको खत्म कर दिया है, ओके ये बंदा बचा है, लगता है मर गए, एक सेकंड तो मैं खोलता हूँ मैं अब, और वेपन लो और मारो उनको, तीनों को मैंने खोल दिया है और हमने बाकी बचे बंदों को भी खत्म कर दिया। तीनों बोल रहे हैं फ्रैंकलिन तूने मजा उठा दिया, तुमने जान बचा लिया हमारी, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अमेजिंग सारा काम हुआ, कोई टेंशन तो नहीं है। तो फिर इन्होंने मेरे को बताया वो काम, मैंने पता किया कि भाई तुम लोगों ने मतलब सारी सारी चीज़ें आपको बता दी, फ्रैंकलिन को इतना अपडेट नहीं था, तो फ्रैंकलिन को उन्होंने सारी बातें बता दी कि डेविड ने ऐसा सारा काम किया, डेविड ने फिर ट्रेवर को यूज़ किया, क्योंकि फ्रैंकलिन काफ़ी दिन से अपडेट नहीं था ना, हमारे साथ नहीं था, तो इसको पता लग गया ट्रेवर का वो आखिरी काम, इसको भी पता लग गई सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताता हूँ भाई वो सारा काम क्या है, वो ये है कि डेविड ने ना बाबा को जान से मारने के लिए ट्रेवर को भेजा है। डेविड बाबा के बारे में जानता है, सीधी सी बात है, बहुत टाइम पहले उसने बाबा के आइलैंड पे जाने की कोशिश करी थी तो याद है मुझे, तो यार इसका मतलब ये तो बाबा को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो फिर वो बाबा को मरवा क्यों टाइम वेस्ट करवा रहा है ट्रेवर से। तो ये था उसका 30 सालों का प्लान कि ट्रेवर को कंट्रोल में करके बाबा को मरवाएगा, अमेजिंग भाई कमाल हो गया। एक काम करता हूँ टेक्नो में स्विच करता हूँ, बाकी तुम सब घर निकलो, टेक्नो को लेकर के सीधा बाबा के आइलैंड पर निकलते हैं, जाके वहीं पे चेक करते हैं। टेक्नो को पता है जगह कहाँ पर है, क्योंकि कैमरा से देख के बार बार बताता रहता है उसको बहुत बार इन्फॉर्मेशन। फिलहाल भाई अपना टेक्नो गाड़ी लेकर के निकल पड़ा है, वो तीनों आराम से पहुंच जाएंगे। अब मेरे को बाबा के आइलैंड पर निकलना है क्योंकि इनको सारी बातें पता लग चुकी है, तो किंग डेविड का लगता है काम पूरा नहीं हुआ इसलिए तीनों जिंदा है। आपने देखा नहीं तो डेविड ने हमें सुबह वाले एपिसोड में यही बोला था कि जैसे ही ट्रेवर मेरे को खुशखबरी देगा उसके बाद उसी के हाथों से तुम तीनों को मरवाऊंगा। तो ये अब तक यहाँ पर बंदे बंदे जिंदा थे तो मतलब काम नहीं हुआ, और काम पता लग चुका है, गार्ड्स ने बोला तेरे बाबा को मारने गया है, मतलब कि ट्रेवर बाबा को मारने गया है अपने। जल्दी बाबा के आइलैंड पर निकलता हूँ, उसका मतलब वहीं पर होंगे सब कुछ वहीं पर चल रहा होगा जो भी कुछ है। जल्दी निकल टेक्नो जल्दी निकल, डेविड तो मरने वाला है, ये डेविड ने ये प्लान बनाया था 30 साल से, कमाल करता है बंदा भी। तो अब मेरे को यकीन हो गया भाई कि ये प्लानिंग 30 साल के 50 साल भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि बाबा को मारने के लिए तो 100 साल तक प्लानिंग मतलब प्लानिंग बनानी पड़ेगी,
बट कोई बाबा को नहीं मार पाएगा। अब मेरे को समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि इतनी लंबी प्लानिंग क्यों कर रहा था, इतना ज़्यादा बिजी क्यों था, सुबह वाले एपिसोड में हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बाबा मरवाना चाह रहा है यार। पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर, मुझे फ़िलहाल कोई भी यहाँ पर नहीं दिख रहा। हेलो जी, कोई यहाँ पर है क्या, कोई तो जवाब दो। मुझे लगता नहीं बाबा अभी शायद से यहाँ पर है, और ना ट्रेवर यहाँ पर है ना डेविड यहाँ पर, मतलब कि तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। वैसे एक बात मैं और बताऊँ, को बाबा चाहे तो जिसको दिखते हैं और जिसको चाहे नहीं दिखते, ये भी तो सिस्टम है ना। देखो बाबा ने लास्ट एपिसोड में खुद ही ट्रेवर मतलब टेक्नो से आकर के मिले थे अपनी मर्जी से। अगर बाबा चाहे तो कोई उनको देख नहीं सकता, अगर उनकी मर्जी नहीं है तो क्या पता यहीं पर वो टेक्नो को ना दिख रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। बट पॉइंट ये भाई फिलहाल तो यहाँ पर नहीं है कोई भी, बहुत दूर आया मैं और आना भी टाइम वेस्ट ही हो गया। चलो टेक्नो भैया जी निकलो यहाँ से, पता नहीं है ट्रेवर क्या कर बैठेगा भाई। और सीधी सी बात है, वो कुछ भी कर सकता है अभी तो डेविड के कहने पर, क्योंकि उसके जब तक चिप लगी रहेगी वो कुछ नहीं पहचानता अपने बारे में, बाबा तो क्या वो किसी को भी मार देगा। मैं शहर में दोबारा से आ चुका बोट को लेकर के, बहुत टाइम खर्च हो गया आने जाने में। फिलहाल कुछ और बंदों का पता लगा है भाई, जंगल वाले बंदों का, फटाफट से निकलता हूँ वहीं पर। रोकी को मैंने फ़ोन करके बोल दिया है, आप लोग रोकी को बोलना हो तो रोकी अभी भी जिंदा है और हमारे साथ ही है। फिलहाल रोकी के अभी कुछ काम ले लेते हैं, मैंने रोकी से कल से कुछ काम नहीं लिया। आपको बताइए रोकी वैसे तो काम कर सकता है, बट मैंने उससे काम नहीं लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था रोकी पकड़ा जाए और कुछ उल्टा सीधा काम हो जाए। टेक्नो माइकल एंड अपना हम सारे बंदे खुद ही मिलकर काम कर रहे थे, बाकी रोकी से मैं काम लूंगा। रोकी को मैंने बुलाया, रोकी तू भी आ जा ब्रो, बहुत देर खाली बैठ लिया, अब तू भी थोड़ा साथ दे। रोकी और मैं जगह पर पहुंच चुके हैं बंदों खत्म करने के लिए। देखो यहाँ पर हम इन बंदों को मारने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि भाई हमें ये पता करना डेविड कहाँ पर है और ट्रेवर कहाँ पर है, क्योंकि जब से मेरे को पता लगा है ना ट्रेवर को यूज कराया सिर्फ बाबा को जान से मारने के लिए, से मेरा दिमाग खराब होकर के रखा हुआ है। क्योंकि यार ये चीज मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी सपने में भी कि डेविड ये काम करवाएगा ट्रेवर से, क्यों भाई। चलिए वो भी पता चल जाएगा धीरे धीरे। ये ले बैठे आया मत इतना मारूंगा, जल्दी बताओ कहाँ पर है तुम्हारा प्यारा करता धरता डेविड एंड बाकी और बंदे। ये ले बैठे आया मजा, आ रहा होगा मजा तो आएगा ही जब गोली बजेगी तो। बहुत बढ़िया भाई रोकी, बहुत बढ़िया मजा उठा दिया। कहाँ पर है नमूना, चलो रोकी को छोड़ो, बंदों को उठा करके इन्फॉर्मेशन लेता हूँ जल्दी से भाई, जैसा भी है चेक करना पड़ेगा। मैंने दो बंदों को उठाया, एटीट्यूड में मेरे को बोला कि चिंता मत कर ड्राइवर ने बाबा को जान से मार भी दिया। यार मेरे को उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा यार, इसने बोला बाबा मर गए एंड वो वापस आ रहा है बाबा को जान से मार करके, कमाल। और बोल रहा है कि अब तुम सब की बारी है। डेविड ने अगला काम यही बोल के रखा है कि अब मरेंगे ट्रेवर के हाथों ट्रेवर के दोस्त, और ट्रेवर के दोस्तों ने अगर उसके पीछे से चिप निकालने की कोशिश करी तो मरेगा ट्रेवर। अब उनकी मर्जी है, ट्रेवर को मार दो या फिर खुद मर जाओ। और उस चिप का सही होने का कोई सिस्टम है ही नहीं, ये तो मेरे को टेस्टर जी ने बोला था। अब अगर ये बात सच्ची में हो गई होगी ना तो फिर तो हो गया काम खराब। रोकी गाड़ी है बैठ, सर में दर्द कर दिया इन बंदों ने और इनको पता नहीं है डेविड कहाँ पर है। मैं फिलहाल गैरेज में जा रहा हूँ, रोकी को मैंने टैक्सी लेकर के भेज दिया है, रोकी को साथ में लेकर के नहीं आ रहा। फिलहाल मेरे को जाना है जल्दी से गैरेज में, जल्दी जा करके मिलता हूँ फटाफट से, क्योंकि लेस्टर बोल रहा है जल्दी आ जा, मेरे को एक बहुत ज़रूरी बात पता लगी है। तो चलिए फटाफट से निकलता हूँ, देखते कि आखिर चल क्या रहा है, क्या उसने मेरे को बुलाया इमरजेंसी में बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए। इस वक्त सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है, जल्दी निकलता हूँ। लेस्टर से आ करके बातें कर ली है, ये बोल रहा है कि टेक्नो जहाँ पर तो गया था ना, मैंने अभी अभी देखा कैमराज में, वहीं पर बाबा है एंड वहीं पर ट्रेवर ने बाबा को मार दिया है और वहीं पर बैठा हुआ है, ये उसने कैमराज में देखा है। जब मैं गया था वहाँ पर मेरे को बाबा और ना तो ट्रेवर दिखा, तो इसका मतलब सच्ची बाबा को मार दिया ट्रेवर ने। बट ऐसा कैसा पॉसिबल है, बाबा मर ही नहीं सकते यार। तो डेविड यार सच्ची में तो ये समझ नहीं आ रहा, डेविड का वो काम जो 30 साल से उसने प्लानिंग करी है सिर्फ बाबा को मारने के लिए, और वो भी ट्रेवर के हाथों से, बहुत अजीब चीज़ निकली है। मानता वो इतना बिजी चल रहा था, मैंने सोचा बहुत बड़ी आर्मी बना रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। खैर भाई बाबा को मारने के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, इसलिए इतना तगड़ा प्लान बना रहा था। तभी तो सुबह उसने बिल्कुल भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, इतना इग्नोर मारा हमें, और आखिर में आगे पता चलता है बाबा को मारने का प्लान था। निकलना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है लेस्टर तू चेक करते रहे सारी चीज़ें और मैं भी चेक करता हूँ। अब तो बहुत बुरा हो गया भाई, देखते हैं आखिर के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, कैसे मरेगा डेविड और कैसे होगा सारा काम। बाबा मार दिया यार इन्होंने। तो बस मेरे भाई ये फिलहाल इस वीडियो को नहीं, आप लोग ये वीडियो कैसे लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर लीजिए, लेकिन 10 सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।